यहाँ एक क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ ए 0.1 नॉर्मल पोटेशियम क्लोराइड केसीएल सॉल्यूशन एट 23 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.012 पर ओम पर सेंटीमीटर, है ना, 0.012 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। द रेजिस्टेंस ऑफ सेल कंटेनिंग द सॉल्यूशन, ठीक है ना, एक तो क्या है यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसे हम जो है ग्रीक वर्ड कप्पा, ठीक है ना, स्मॉल के से डिनोट करते हैं, ये कितना है 0.012 पर ओम पर सेंटीमीटर। द रेजिस्टेंस ऑफ सेल कंटेनिंग द सॉल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर वाज फाउंड टू बी 55 ओम रेजिस्टेंस, यानी हमारा आर ये कितना 55 ओम है। द सेल कांस्टेंट विल बी, ठीक है ना, तो सेल कांस्टेंट यानी एल बाय ए ये जो है कितना होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा बी 0.66 पर सेंटीमीटर। ये किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन हल करने के पहले हमें ये पता रहना बहुत ज़रूरी है कि सेल कांस्टेंट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ये है क्या, ठीक है ना। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है, इज इक्वल टू स्मॉल एल अपॉन स्मॉल ए। स्मॉल एल क्या है, यहाँ पर स्मॉल एल जो है ये दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है ना, ये इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है ना, इनके बीच की स्टैंड जिससे इनके बीच की डिस्टेंस जिसे हम किससे स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, तो ये जो है इनके बीच की डिस्टेंस जो कि क्या होना चाहिए 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर एल जो है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। और नीचे क्या है ए, ए यानी एरिया यानी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है ना, यानी जो इलेक्ट्रोड है या जो हमारी इलेक्ट्रोड वाली प्लेट है तो इस क्रॉस सेक्शन की जो लेंथ है ये 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना, और इसकी जो है ब्रेड्थ, ठीक है ना, ये भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी लंबाई गुणित चौड़ाई L into B इज इक्वल टू क्या एरिया, जहाँ लेंथ भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, इस इलेक्ट्रोड की ब्रेड्थ भी कितनी 1 सेंटीमीटर की होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसी प्लेट का जो एरिया होता है यानी 1 एरिया 1 सेंटीमीटर into 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, इसका मतलब ऐसे इलेक्ट्रोड्स जो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रेजेंट हो उनके बीच की डिस्टेंस जिसे हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, ये डिस्टेंस और एरिया उन इलेक्ट्रोड्स के क्रॉस सेक्शन जो कि जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और ब्रेड्थ यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों 1-1 सेंटीमीटर की हो, ठीक है ना, यानी एरिया, इनके बीच के रेशो को क्या बोलते हैं सेल कॉन्स्टेंट कहते हैं, ठीक है ना, तो ये हमारा सेल कॉन्स्टेंट हुआ। अब हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करेंगे, इसे कंडक्टिविटी भी कहते हैं, इसे ग्रीक लेटर कप्पा से डिनोट करते हैं स्मॉल के, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऐसे सॉल्यूशन की कंडक्टेंस होती है, यानी यहाँ पर ये सॉल्यूशन भरा हुआ है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है ना, और ये सॉल्यूशन किसके बीच है, इन इलेक्ट्रोड प्लेट्स के बीच में है, ठीक है ना, इन इलेक्ट्रोड प्लेट्स के बीच में है। तो ध्यान रखिए कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है ना, या कंडक्टिविटी ऐसे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी होती है जिन इलेक्ट्रोड प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर की, ठीक है ना, और इन इलेक्ट्रोड प्लेट्स की इन इलेक्ट्रोड प्लेट्स का एरिया कितना हो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर का हो, यानी जिसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर हो
है ना, जिसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर हो और जिसकी ब्रेड्थ भी 1 सेंटीमीटर की हो, ठीक है ना। ऐसे एरिया वाले प्लेट्स के बीच जो सॉल्यूशन होता है उससे उसकी कंडक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है ना। तो ये हमारा सेल कांस्टेंट क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, इसकी जानकारी हमने ली, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के गिवन है जिसकी वैल्यू क्या है, 0.012 पर ओम पर सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हम जानते हैं, रेजिस्टेंस किसी सॉल्यूशन के लिए आर वो चीज़ होती है, यानी ऐसा सॉल्यूशन जो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने में प्रॉब्लम्स पैदा करता है, यानी जिसके अंदर से करंट आसानी से फ्लो नहीं हो सकता हो, तो हम कहते हैं अगर किसी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यानी वो अपने अंदर से करंट फ्लो होने का क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है ना, उसका विरोध करता है। अपने अंदर से जितनी अड़चन पैदा करेगा करंट फ्लो होने में, उसके रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, 55 ओम है। और यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या है, सेल कांस्टेंट, जिसमें जो है जिसका क्या फार्मूला होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन कंडक्टिविटी। तो हम रेजिस्टेंस को क्या कर लेंगे, कंडक्टेंस में चेंज कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस यानी रेजिस्टेंस का अपोजिट, यानी ऐसा सॉल्यूशन जो अपने अंदर से आसानी से करंट को फ्लो होने देता है, ठीक है ना। यानी जितने आसानी से करंट फ्लो किसी सॉल्यूशन के या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर से फ्लो होगा, वो उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है ना, उसकी कंडक्टेंस उतनी अच्छी होती है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस का अपोज, क्योंकि रेजिस्टेंस यानी ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने में अड़चन पैदा करता है, यानी उसका अपोज करता है, तो ये इसका इन्वर्स होता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 1/R, यानी ये हो जाएगा 1/55, और चूंकि यहाँ यूनिट इसकी ओम थी, ये तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओम इन्वर्स, ठीक है ना, पर ओम हो जाएगा। अब यहाँ हमारा फार्मूला सेल कांस्टेंट हमें निकालना है, तो होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और अपन जो है कंडक्टेंस, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, होती है 0.012, और ये हमने अभी देखा कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, 1/55। तो यहाँ पर जो है इसको अगर हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.66 ये सेल कांस्टेंट पर सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर इन्वर्स हमारा जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेल कांस्टेंट होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।